लव लॉजिक्स हेलो दोस्तों, लव लॉजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। ये कहानी शुरू होने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम आएंगे हर बार एक नए लव स्टोरी के साथ। अंतरा, तुम हमेशा इतना सैड फेस क्यों बना के रखती हो? अरे थोड़ा हंसो, खुश रहो, नहीं तो तुम्हारे घर वाले मुझे डांटेंगे। कैसे हंसूं? देखिए ना, आपके घर से कोई नहीं आया मुझे छोड़ने के लिए। ऐसे नई बहू को अकेले कौन जाने देते हैं? मुझे अभी तक इस घर में कोई भी एक्सेप्ट नहीं किया। अरे बस 7 दिन तो बीते हैं, अभी पूरी जिंदगी पड़ी है अंतरा मैडम, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अब चलें। चलिए। अंतरा अपने मायके चली गई और इधर, अरे मेरा वो कीमती हार कहाँ गया? यहीं पे तो रखी थी, कहीं अंतरा ने वो हार। क्या हुआ चाची, आप सुबह से नीचे नहीं आ रही? माँ जी और मैं कब से आपका इंतजार कर रहे हैं, चलिए ना, बहुत भूख लगी है। सोनिया, तूने तो वो हार देखा भी नहीं, क्या पूछूं क्या बताऊं मैं तुझे। छोड़ जाने दे, मैं खुद ढूंढ लेती हूँ। कौन सा हार, क्या बात है चाची, आप इतना परेशान क्यों हैं? हमारा एक खानदानी हार है, कम से कम 30 लाख का होगा। उसे मेरी सासू माँ ने मुझे दिया था। अंतरा शायद उस हार को बहुत पसंद की थी, पर शादी के दिन मैंने उसके हाथ से छीन लिया था वो हार, और यहीं पे अपने कबोर्ड में लाकर रखी थी, पर अब वो हार कहीं नहीं मिल रहा मुझे। नहीं चाची, मैं अंतरा को बचपन से जानती हूँ, वो चोरी नहीं कर सकती। इतने सालों से वो हार मेरे अलावा किसी ने नहीं देखा था, और अंतरा की नजर पड़ते ही गायब हो गया। नहीं सोनिया, कोई और चीज होता तो मैं यूं जाने देती, पर वो हार हमारे खानदान की निशानी है, हर हाल में मुझे वो हार चाहिए। चलिए चाची, मैं आपकी मदद करती हूँ ढूंढने में। अंतरा की सास सोनिया और अपनी जेठानी की मदद से पूरा घर अच्छे से छान मार ली, पर वो हार कहीं नहीं मिला। बिंदु, तुझे ठीक से याद है ना कि तू वो हार कहाँ पे रखी थी? हाँ दीदी, आज तक मैंने गहने संभालने में कोई गलती नहीं की, फिर अब इतना बड़ा कीमती हार कैसे खो दूं? तो फिर हार गया कहाँ? मैं अंतरा को नहीं छोड़ने वाली, मुझे यकीन है कि उसी ने ही मेरा हार चुराया है। अरे वाह, कितना सुंदर हार है, ऊपर से कितना भारी। हे भगवान, मैं तो सपने में भी ऐसा हार नहीं सोच सकती थी। अच्छा हुआ जो अंतरा इतने पैसे वाले अमीर घर में शादी कर ली। देख अनिका, तू भी आर्यन जैसा एक अमीर लड़का ढूंढ लेना अपने लिए। हाँ माँ, दीदी इतना सुंदर हार अपने ससुराल से लाकर आपको दे दी? और नहीं तो क्या, मैंने उसे सब समझा बुझा के भेजा था ससुराल, कि अगर कोई उसके साथ बदतमीजी से बात करे तो उसे अच्छे से सबक सिखाना। अब लगता है उसके सास ने उसे कुछ बोला होगा, तभी तो अंतरा गुस्सा होकर मजा चखाने उसका हार मुझे दे दी। अब ये हार मेरा है। माँ, आर्यन जीजू और दीदी दूसरे कमरे में आराम कर रहे हैं, आप अभी उनके सामने जाकर इस हार के बारे में कुछ भी मत बोलना। अरे मैं क्यों बोलूं आर्यन के सामने जाकर, क्या पता अंतरा ये बात उससे छुपा के रखी होगी तो खामखा मेरा ये हार हाथ से चला जाएगा। बात तो सही है। क्या हूँ, ले जा इसे मेरे अलमीरा में संभाल के रख दे, तेरी और अवंतिका दोनों की शादी का पूरा खर्चा इसी से उठ जाएगा। मेरी अंतरा ने पहली बार में बड़ा हाथ मार ली है। जा जा, अब देर मत कर, छुपा दे इसे। हाँ माँ ठीक है, मैं अभी अलमीरा में छुपा देती हूँ। सोनिया, मैं अंतरा को सवाल पूछते ही तू घर के अंदर घुस जाना और सीधा जाकर अलमीरा चेक करना, वो जरूर अपनी माँ को दे दी होगी वो हार। नहीं चाची जी, मुझे इस सब में मत घसीटिए, ये आप सास बहू के बीच की बात है, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती है। मैं उसके घर के अंदर नहीं जाऊंगी चाची, मैं अपने मायके चली जाऊंगी, आप उसके घर में जाना।
ऐसे कैसे नहीं जाएगी तू? तेरी दोस्त है वो बचपन की। तेरी शादी समीर से ना होती तो ये काली कलौटी भी मेरे आर्यन को फंसा ना पाती। अच्छा ठीक है, मैं चलूंगी, पर मुझे उससे कुछ बात नहीं करनी। हाँ हाँ, बातचीत करने में तुझे वहां पे नहीं लेकर जा रही, बस मेरा हार ढूंढ निकालना है कैसे भी करके। जीजू अब बताइए, लाइफ कैसी चल रही है? दीदी को लेकर कहीं घूमने जाने का प्लान है या नहीं? तुम्हारी दीदी तो रात दिन पढ़ती रहती है, मेरे साथ भी ज्यादा बात नहीं करती, और ये मैडम घूमने चलेंगी, आई डाउट दैट। अरे ऐसी बात नहीं है, मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रही हूँ, इतना वक्त कहाँ मिलता है मुझे जो मैं दूसरे काम में टाइम स्पेंड कर सकूँ। अच्छा दीदी ये बताओ, आर्यन जीजू तो बहुत पैसे वाले हैं, तुम्हें शादी के बाद ढेर सारे गहने मिले होंगे, नहीं? मिले थे, पर मेरी सासू माँ मुझे हर बात पे मेरी गरीबी का ताना मारते रहे, और फिर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और मैंने वो सारे गहने उन्हें दे दी। ओह तो आप ससुराल से एक भी गहने नहीं ली? नहीं, जब मेरी सासू माँ मुझे दिल से पसंद करेंगी तो वो मुझे जो भी देंगी मैं उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करूंगी, पर अभी नहीं। अंतरा माँ जल्द ही मान जाएगी, देखना तुम। आई होप सो। दीदी जीजू मैं अभी आई। इसे क्या हुआ, अचानक से चली गई? अरे समदन आप, नमस्ते, आइए अंदर आइए, ऐसे अचानक से नमस्ते। कहाँ है तुम्हारी वो काली कलौटी लड़की? माँ आप यहाँ पे, क्या बात है? पूछो अपनी पत्नी से, इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी खानदानी हार चुराने की। हार? अंतरा हार? कौन सा हार माँ जी, मैंने तो कोई हार नहीं चुराया। अब नाटक बंद कर, ऐसे भोली शक्ल बना के बोलने से तेरी सच्चाई नहीं छुप जाएगी, गरीब भिखारी तो हो ही, ऊपर से चोरी, छी। सुना था गरीब ईमानदार होते हैं, पर तू तो किसी में भी अच्छी नहीं है, अपनी जादू चलाने के लिए मेरा ही बेटा मिला था तुझे। माँ जी आप ये सब क्या बोले जा रही हैं? आपका खानदानी हार मैं क्यों चुराऊंगी? उस दिन आप ही मुझसे वो हार ले लिए थे ना, फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कहाँ पे छुपा के रखी हैं? मैंने तो आज तक आपके कमरे के अंदर गई भी नहीं, फिर चोरी कैसे करूंगी? माँ आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, शायद किसी ने अंतरा के खिलाफ भड़काया है आपको और आपके सामने अच्छी बनने की नाटक कर रही है। किसी ने नहीं भड़काया मुझे, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सोनिया चल मेरे साथ, इनका अलमीरा देखना है मुझे। अलमीरा? क्यों, मेरा अलमीरा क्यों देखना है आपको? अंतरा तो मना कर रही है ना कि हमारे पास कोई हार वार नहीं है, फिर आप अलमीरा क्यों देखेंगी? नहीं नहीं, मैं अपना अलमीरा नहीं दिखाऊंगी किसी को। सोनिया इनकी बातों से तो यही लग रहा है कि हार अलमीरा के अंदर ही छुपाए हैं, चल मेरे साथ। आर्यन की माँ सोनिया को साथ में लिए अलमीरा खोल के हार ढूंढने लगी, एक एक करके सारा सामान बिखेर दी, पर उन्हें वो हार कहीं नहीं मिला। हार तो इसी के अंदर था, अभी अचानक से गायब कैसे हो गया? हाय मेरा 30 लाख का हार, मेरा ही बना रहे, हे प्रभु। चाची जी हार तो अलमीरा में नहीं मिला, अभी आप अंतरा का सारा सामान चेक कर लीजिए, क्या पता अपने बैग में छुपा के रखी होगी तो। सोनिया? हाँ हाँ अभी देखती हूँ मैं। फिर आर्यन की माँ अंतरा की बैग्स भी चेक करने लगी, बेचारे गरीब लोग, दो ही कमरा और एक ही अलमीरा है इनके घर में, छुपाने की और कोई जगह भी नहीं बची। पूरे घर में ढूंढने के बाद भी अंतरा की सास को वो हार कहीं नहीं मिला। माँ आप ये सब क्या कर रही हैं? जाकर हमारे घर पे ढूंढिए ना, और सबके कमरे में भी, यहाँ पे आकर आप इतनी गिरी हुई हरकत करेंगी मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा। चल सोनिया। आर्यन ये सब मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं? मैंने आपको बार बार मना किया था इस शादी के लिए, पर आप ही नहीं सुने। देखिए मेरे साथ क्या हो रहा है।
अंतरा रो मत प्लीज, मुझे लगता है ये सब तुम्हारी बचपन की सहेली सोनिया का किया धरा है। अब उसे कैसे सबक सिखाना है ये सोचो। हाँ, अब मैं उसे नहीं छोड़ने वाली। बहुत हो गया हमारे गरीबी का मजाक बनाना। बचपन से झेलती आ रही हूँ मैं, अब नहीं बर्दाश्त करूंगी। पर आर्यन, वो हार आखिर गया कहाँ? दीदी, ये रहा वो हार। इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।